भारत में घटती नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर न्यू इंडिया से जुड़ा एक नारा भी दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा, 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला करते रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं छिने, करोड़ों उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने थक हार कर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 18% रह गई है। अमृतकाल में देश बेरोजगारी और महंगाई का विष पीने को मजबूर है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2.1 करोड़ नौकरियां घटी हैं। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। सिर्फ 9% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास काम है या फिर वो काम की तलाश में है। इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।